सो फाइनली जो शॉप की कीज़ हैं वो मेरे हाथ में आ गए हैं। तो वैसे वेट कर रहा था अब जा करके आया, लेकिन ये खैर आ गया, अभी चाबी मिल गई है। और शॉप ये है, टू साइडेड ओपन है। और काफी दिनों बाद आज मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप पहन रहा हूँ। इतना भारी भारी सा हेलमेट लग रहा है और ऊपर से बाइक भी बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ। बाइक बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। बाइक बिल्डिंग के नीचे खड़ी रहती है तो वहां पर क्या अभी काम चल रहा था, धूल मिट्टी बहुत हो जा रही है। तो बीच में मैंने साफ करी थी, फिर से गंदी होगी, तो मैंने कहा जब सर्विस करवाने जाऊंगा तो ही इसको साफ करवाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं सुबह जल्दी निकल रहा था, रात को लेट आ रहा था और किसी बहुत ज्यादा जरूरी काम में बिजी था। फिलहाल अभी सुनैना का पेट भरना है सबसे पहले। इतनी गर्मी में धूप में निकलने में जान एक तो वैसी निकल जाती है, ऊपर से बत्तियां, भाई साहब, हे भगवान, हो जा ग्रीन। सुनैना का पेट जो है वो एकदम फुल हो गया है, इसकी सर्विस करवा के आते हैं फटाफट से। फाइनली बाइक जो है वो सर्विस हो गई और इस समय देखो क्या चमक रही है भाई साहब अपनी सुनैना। ओ माय गॉड, सर्विस करवाने के बाद तो और ज्यादा स्मूथ हो गई है और एकदम मतलब एकदम ही लाइट चल रही है बिल्कुल, जो थोड़ा सा हैवीपन आ रहा था क्योंकि थ्रॉटल बॉडी जो है वो गंदी हो गई होगी, इस कारण से एक भारीपन सा बाइक में आ रहा था लो आरपीएम पे। लेकिन अब तो एकदम हो गई है जबरदस्त, एकदम स्मूथ। और एक ऑप्शन और था, कावासाकी 2020 है वो रिकॉल करी गई है, कुछ 201 यूनिट है वो रिकॉल करी गई है, तो उसमें भी जो पोर्शन चेंज होना था वो चेंज हो गया है और मे बी अब जो है वो मिसिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जानी चाहिए। अब देखो क्या होता है, वो तो आगे धीरे धीरे पता चलेगा हमें कि बाइक कैसा परफॉर्मेंस दे रही है उसमें। लेकिन फिलहाल ये कि देखो लो आरपीएम पे पहले जैसे झटके देती थी, अब वो झटके नहीं दे रही, जो झटके पहले आते थे वो झटके नहीं आ रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। देखो अभी भी हल्के हल्के चल रही है लेकिन वो झटके नहीं दे रही है, जो एक बम्प देती थी 10R वो बम्प नहीं दे रही है। और प्लस इससे क्या होगा, जो पीछे हमारे एग्जॉस्ट में ब्रेक फायर्स आते थे वो बैक फायर्स भी बहुत कम हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि कावासाकी ने अपनी बाइक्स को रिकॉल करके उस पार्ट को चेंज कर दिया और अब बाइक जो और ज़्यादा पहले से बेटर हो गई है। ये देखो अब मैं जैसे हल्के धीमे धीमे स्पीड पे चल रहा हूँ, पहले इसमें क्या होता था एकदम ऐसे लो आरपीएम पे झटके आते थे, थ्रॉटल बॉडी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती थी, एयर नहीं ले पाती थी, एयर इनटेक नहीं हो पाता था बिल्कुल। मैंने एक्सीलेटर जो है वो छोड़ दिया है और बाइक जो है अपने आप चल रही है 18-19 की स्पीड पे देखो, और बिल्कुल कोई जर्क नहीं आ रहा है, कोई धक्का नहीं आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये देखो एकदम प्यार से चल रही है आराम से। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी जो कि सॉल्व हो गई है, क्योंकि इसमें हम लोगों को भी थोड़ा अजीब सा लगता था कि भाई लो आरपीएम पे बाइक झटके खा रही है या बंद हो जा रही है। तो इसमें क्या होता था, जब थ्रॉटल बॉडी पे थोड़ी सी गंदगी आ जाती थी तो लो आरपीएम पे झटके खा करके, क्योंकि एयर इनटेक नहीं हो पा रहा था, तो बंद हो जाती थी। तो अब जो है वो एकदम क्लियर हो गया है, ऑयल भी चेंज हो गया है, तो और ज़्यादा बाइक स्मूथ हो गई है। ओहो, मैं तो भूल गया था कि आराम से चलना है, दिल्ली में चालान का चक्कर ज़्यादा चल रहा है, तो अपन जो है एकदम आराम से चलेंगे। तो फिलहाल मैं पहुंच गया हूं कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, यहां पर बहुत दिनों के बाद आना हो रहा है। गैरी पाजी के पास चलते हैं क्योंकि अब ये एरिया जो है वो भी खुलने लग गया है, तो शेरे पंजाब जा करके वहां पर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके या कुछ नींबू पानी पी के निकलेंगे, क्योंकि पाजी से मिलना हो जाएगा और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। फिलहाल टाइम हो गया अभी 7:15, गैरी पाजी के यहाँ से निकले, यहाँ पर आओ तो टाइम पता नहीं चलता है, करीब करीब 4:30 के आसपास आया था और अभी 7:15 बज गए, सारा टाइम ऐसे निकल गया। फ्रैंक आ गया था, फ्रैंक से बातचीत कर रहे थे, कुछ आइडिया शेयर कर रहे थे, कुछ शॉर्ट मूवीज बना रहा है वो। तो अभी फिलहाल फटाफट चलते हैं भाग करके घर, थोड़ा सा प्रिपरेशन भी करनी है क्योंकि कल संडे राइड है, तो उसके लिए थोड़ी सी पहले से प्रिपरेशन करनी होती है। छोड़ रहा हूँ, रुक जा भाई। तो आज हो गया संडे, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह क्या है कि कहीं भी जाने से पहले इनको घुमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, मौज मस्ती नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं होती। जो इन महाराज ने कर लिए बहुत सारी पॉटी और अब ये एकदम आ गए हैं चुस्ती फुर्ती में। आ जाओ इधर 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 आ जाओ, जो आ जाओ, आओ आप, उसे अपनी मस्ती चढ़ेगी, जहाँ मनाएगा वहाँ जाएगा, इधर इधर इधर, गाड़ी के नीचे नहीं।
आ जाओ, आओ लिफ्ट में आ जाओ। ये देखो लिफ्ट में आने के लिए कैसे करेगा। आ जा जो जो, आओ आओ शाबाश, आप डरपोक नहीं हो सकते। आ जाओ शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह आज तो आ गया। तो फाइनली मैं निकल गया और थोड़ी सी लेट हो गई। कैसा करते हैं फटाफट से चलते हैं और ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। सो मैक्सिमम ग्रुप्स और राइडर्स आज इसी साइड को जा रहे हैं क्योंकि नोएडा जो है वो बंद चल रहा है। अपना ग्रुप कैसे हो? हाँ से बहुत कम राइडर्स है। बहुत बढ़िया बढ़िया भाई। तो फाइनली अभी निकल गए। हमारे BMW वाले पाजी ने आज धोखा दे दिया है और वो आज राइड पे नहीं आ रहे। हम लोगों का भी राइड करने का मन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत छोटी सी राइड मारेंगे, टोल के थोड़ा सा आगे तक जाएंगे। अपन चलाएंगे यहाँ से अब अपाचे। चाहना कि अपनी बाइक को देखने का भी मजा होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा कि चलाते रहते तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी बाइक की फीलिंग क्या है। तो जब आप दूसरे को देखोगे कि दूसरा आपकी बाइक चला रहा है तो फीलिंग पता चलती है। ओहो सुनहरा तो गजब ही लगती है भाई, हमेशा जब भी देखो। और ये हम अपाच जैसे डुकाटी को पीछे छोड़ते हुए, और दीपक भैया यहीं कह रहे थे आज इन्होंने फोन नहीं उठाया, कल कह रहे थे मैं राइड पे आऊंगा और आज इन्होंने धोखेबाजी दी है। तो आज से ये हमारे दीपक कलाल हैं, दीपक कलाल के नाम से बुलाएंगे, इन्होंने धोखा दे दिया आज हमें। मन्नत पे रुके थे ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल गए और गर्मी जो है भाई साहब एकदम हाई लेवल की हो चुकी है। जब बाइक को खींचते हैं ना तब थोड़ी सी हवा लगती है बढ़िया सी, क्योंकि जैकेट में हवा अंदर जाती नहीं आसानी से। राइड करने के बाद ऐसी हालत हो जाती है ना, तो थोड़ी देर मैंने क्या किया घर पे जाके रेस्ट किया और उसके बाद मैं अभी निकल गया हूँ लक्ष्मी नगर को। लक्ष्मी नगर में एक काम है, मुझे दरअसल चाबियाँ मिल रही हैं अभी, अब देखते हैं वहाँ जाके पता चलेगा। वैसे तो अभी ये पता चला कि चाबियाँ जो है वो मिल रही हैं, जो मैंने शॉप अभी रेंट पे ली है उसमें क्या काम खोलूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो सबसे पहले बताऊंगा अगर तो इंस्टाग्राम पर बताऊंगा। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आईडी नीचे आ रही होगी डॉक्टर जलज कुमार करके। तो एक शॉप अभी ओपनिंग का प्लान चल रहा है और सो फाइनली जो शॉप की कीज हैं वो मेरे हाथ में आ गए हैं। तो वैसे वेट कर रहा था अब जा करके आया, लेकिन ये खैर आ गया, अभी चाबी मिल गई है। और शॉप ये है टू साइडेड ओपन है और जो भी इसमें मतलब काम होगा मैं आपको बता चुका हूँ कि इंस्टाग्राम पे पता चलेगा, तो अभी वो पता नहीं चलेगा आपको इंस्टाग्राम पे पता चलेगा। तो फाइनली भी काम करते हैं शॉप खोलते हैं, अभी तक शॉप मैंने पहली बार खोलने जा रहा हूँ, मतलब अभी खोली नहीं है। तो अपने कुलदेवता का नाम लेकर के मतलब मन में ध्यान करके इस शॉप की शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल अपनी शॉप जो है ये है, अभी शॉप जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं ली है, छोटी ली है एक, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग का काम है तो छोटे से शुरू कर रहे हैं। तो 6x23 की कुछ ये शॉप है कि अभी क्या मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, कॉलेज का बर्डन नहीं है प्लस और चीज़ें नहीं है, और ब्लॉगिंग मैंने थोड़ी सी भी धीमी कर रखी है क्योंकि आप देखते हैं कि मेरे बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स जो है वो नहीं आते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी कर लिया जाए और साथ साथ में ब्लॉगिंग भी चलती रहेगी और कॉलेज तो अपना है ही। तो फिलहाल
ये शॉप है और इसमें अभी सारा काम होगा, मतलब पूरा का पूरा रेनोवेशन होगा, सब चीज़ें बदल जाएंगी इसमें और कुछ दिनों बाद आपको यहाँ पर आने को मिलेगा। जैसा भी होगा ओपनिंग जो भी होगी वो आपको इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर सब जगह पता चल जाएगी। बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं जो सपना एक लेकर के मतलब ये मेरा क्योंकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है मैं शुरू कर रहा हूँ, तो वो मेरा बहुत पुराना सपना है। जब मैं स्कूल लेवल में पढ़ता था उस टाइम से मैंने एक सपना बना रखा था, वो आज भले ही छोटे रूप में शुरू कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ। तो जो अपनी लाइफ है, जो मेरे ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। चले ना चले जो भी है वो फ्यूचर की बात है। तो मेरी जो डील कराई है ये कराई है आशु भैया ने, हिमांशु भाई को आप जानते हैं, जो कि लक्ष्मी नगर में बाइक मॉडिफिकेशन का काम करते हैं, जो कि इससे पहले एक आध वीडियो पहले मैंने बाइक दिखाई थी एवेंजर से हार्ले डेविडसन में जो मॉडिफाइड थी, वो जो कहता वो हिमांशु भाई ने किया था। तो आशु भैया जो है उनके बड़े भाई हैं, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं लक्ष्मी नगर में। बहुत ही अच्छी डील भैया ने कराई है। तो अगर आपको भी भैया से कॉन्टैक्ट करना है तो भैया एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए, अपनी डिटेल्स दे दीजिए कि अगर कोई कॉन्टैक्ट आपसे करना चाहे लक्ष्मी नगर में डीलिंग के लिए तो कैसे कर सकता है। भूषण प्रॉपर्टी के नाम से हमारा जो काम है ऑल ओवर लक्ष्मी नगर में प्रॉपर्टी की डील्स हम करते हैं। आप सेल परचेज एंड रेंटिंग किसी भी तरीके की डील्स में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे भी आ जाएगा हमारा, आप कॉल कीजिए और मोस्ट वेलकम, आप आइए और आपको जो आपकी सोच है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी हम आपको दिखाएंगे। तो भैया से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आपको लक्ष्मी नगर में कोई भी डील चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, पीजी के लिए आ रहे हैं, किसी चीज के आ रहे हैं, भैया का खुद का पीजी भी है तो उसके लिए भी आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी चाबियां मिल गई हैं तो इस खुशी में मैं और भैया आए हैं अभी मूलचंद। हमारा प्लान तो था मूर्थल जाने का कि हम लोग मूर्थल जाएंगे, लेकिन अभी मूलचंद पराठे वाले पे आए हैं, लेकिन उस पर खाएंगे नहीं क्योंकि सावन चल रहा है और भैया प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते, तो नॉन वेज तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमें क्या नॉन वेज के पराठे वराठे बनते हैं, संजय चूर चूर नान करके इस पर खाएंगे। भैया कैसा लगा आपको पराठा यहाँ का? एक नंबर। तो मैं यहाँ ना बहुत पहले भी आ चुका हूँ, मतलब इससे बगल में जो मूलचंद पराठे वाला है उसके पराठे मुझे सही बताऊँ तो इतने बढ़िया नहीं लगे जितने इसके बगल में जो दुकान है उसके बढ़िया लगे थे। ऐसा करते हैं फटाफट खाते हैं, भूख लग रही है बहुत जोर से, और पराठा देखो एक नंबर लग रहा है।